Yep. फिर नहीं बनना है, जब तक सांस है लड़ना है, समझी? अब मेरी मॉर्निंग से जैसे क्यों नहीं होती? तुम मुझे बिना बताए न्यूयॉर्क से क्यों चली आई? अरे ऐसे कैसे मुकदमा बना देगा? बाबा जी का राज है क्या? 99 तक पहुंच गया था तू जाट वाले, वो तो सांप ने ऐसा काटा कि तू सीधा थाने में आगे गिरा। मेरा जी को फोन करने दे बेटा, फिर देखना। फोन फोन तो तुम तिहाड़ से करिए। अरे बिना सबूत के क्या तिहाड़ भेज देगा? स्वैकिया समझाए क्या? और राजवीर, अरे वो जो चावड़ी बाजार तक स्वैक पकड़ी थी ना, उसमें से 5 ग्राम निकाल के इस हेगड़ीबाज के नाम लिख दे। बहुत गले फट रहे इसके। अरे साले, सत्ता फोड़ूंगा इससे। ह्यूमन राइट्स वालों को खबर करूंगा। क्या कर रहा पागल है? जुलूस निकलूंगा मैं तेरे पुलिस थाने के बाहर। पागल हो रहे क्या? अत्याचार कर रहे हो साले। मैं मर जाएगा क्या? ह्यूमन राइट्स वालों को बुलाओ। सर्दी साले, बाहर निकालो मुझे। सर्दी ब्लैक कर रहे, देख लो सर। बस सर फोड़ लूंगा अपना। अरे नीचे लगे, क्या कर रहा है तू? लाओ मैं संभाल। ये कौन है बावड़ी पूछ? जोर से मार, देखो कितना सनी देवल है तू। मार मार मारना रे, रे मारना। क्या हुआ पापी, क्या हुआ? रुक तू, क्या मार मार, क्या क्या किया? मैं दिखाना होशियारी, बिबल छड़िया औलाद। मार, पागल हो गया क्या तू? ऐसा कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा। सहज के मार पापी, कुछ नहीं करा। क्या हुआ चतुर की घोड़ा? चल छोड़ दिया झूठे डरपोक साले। अरे तुम्हें तिहाड़ भेज के रहूंगा साले, देखते तिहाड़ में ना आके बाहर निकलाइए। समझ के रखे साले, नंगी परेड कर रहा हूँ मैं। ठीक कह रहे हो, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, बस एक बार और माफ कर दो प्लीज। मैं गारंटी लेती हूँ, तू दोबारा कर बिजली चोर। आज के बाद कोई ऐसी हरकत नहीं करेगा तेजू, प्लीज एक बार और माफ कर दो। क्यों अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो इस सूचक के पीछे? सामने खड़े किस्मत पे ढूंढ रही हो तुम इसकी, तुम मैं ऐसा मत कहो। अच्छा इधर देखो, देखो अपनी शक्ल, तुम भी ना अच्छे लगते हो ऐसे गुस्सा करते हुए। नहीं ना, इतना भी नहीं। क्या कर रही हूँ मैं? बस एक बार और माफ कर दो, आखिरी बार। रामपाल छोड़ दे इसमें, जमानत हो गई। हलवा खिलाऊंगी लंच पे, गर्मा गर्म घर पर आ जाना। बाय। मैं कल दोपहर में आ जाता हूँ, हलवा है ना? 10 दिन 10 रात साइकिल पर लगातार परिक्रमा। पीछे ना आ तू, पहले तू मुझे बता किसने कहा तुझे बिजली की चोरी करने को? अपनी माँ का बिल देखा है कमिश्क यहाँ? तो तू चोरी करेगा तो क्या करूँ जब खर्चे भारी पड़ रहे हैं कमाई पे? हाँ तू तो एंटीक मूर्तियों की दुकान खोलने वाला था, है क्या हुआ उसका? चिट फंड भी सारा खराब कर दिया ना अपने चक्रों में। फिल्में किसे देखनी थी? LCD VCD पे। मेरा शौक था, मैं करती अपने से पूरा। तेजपाल को दिखा के हाथ है कमीने। देख, एक तो तेरे प्यार में धर्म से आंख मीच के तुझे बचाया, और तू तो रहन दे, मर जा। दिखाते आप बड़े प्यारे, बहुत प्यारे। बिमला का पुत्र है, क्या हुआ? एक बेचारी औरत प्यासी थी, इसे बच्चा थमाकर पानी पीने चली गई, पर लौटी नहीं। क्या तुम किसी के भी बच्चे को घर उठा लाएं?
बिना जात का पता किए तुमने उसे छुआ भी कैसे? बच्चा ब्राह्मण का है, वेदिका ने पूछ लिया था। फिर भी बच्चे को घर नहीं लाना चाहिए था, उसकी माँ चिंता कर रही होगी। जाओ प्रतीक्षा करो उनकी। 4 घंटे हो गए वो अभी तक लौटी नहीं। ईश्वर करे सब ठीक हो। तूने उसे बता दिया था ना कि तू पंडित जी की बेटी है? फिर तो वो निश्चित रूप से पहुंच जाएगी यहाँ। आप आरती कीजिए, मैंने सामग्री तैयार कर रखी है। जा इसे वहां बहला ला जा। प्रातः पूजन दोपहर में करने का विचार है? आप चलिए, हम बच्चे के लिए दूध गर्म करके चले जाएंगे, वो भूखा उठेगा। वेदिका की पढ़ाई में विघ्न डालेगा, तुम्हारे और ईश्वर के बीच तो आ ही गया है। हमारा अपना बेटा होता तो? वैसे भी ईश्वर मनुष्यों के घड़ी के अनुसार नहीं चलते, वो सब जानते हैं। ईश्वर सर्वज्ञाता है। होने पर हम सर पर भा गया है। तुम्हारे बाबूजी की पूजा की थाल हम उनके आने से पहले तैयार करते हैं। और तुम्हारा ये राजा भैया देर पर देर करा रहा है। वेदिका जी से उठा ले बेटा, ठीक है? फिर हम पूजा की थाल ठीक करते ही इसे उठा लेंगे। बस हो गया, आप भगवान को शांत करिए, हम थाली लेके आते हैं। वो क्षीर दामन देवी से को क्षीरण में आकतम देवी से की ममता में अंधी हो गई हो तुम। दोबारा स्नान करना पड़ेगा हमें। तुम्हें उसने दो बार स्नान कराया कि नहीं? माँ हमने सब तो पी लिया है। ये इतना चीख रहा था ना, हमें लगा मणि आएगी और संभाल लेगी, पर मणि भी नहीं आई। हमें रोटी बना देनी चाहिए थी। माँ आप राजा भैया का ध्यान रखिए, हम अपना रख सकते हैं, और कल सवेरे से जल्दी उठकर हम आपका भी हाथ बटा देंगे। उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कल तक अगर इस बच्चे की माँ नहीं आई तो इंस्पेक्टर शर्मा से बात करके इसका कोई प्रबंध करवा देंगे। अच्छा हुआ बेटी तुम आ गई। प्रणाम पंडित जी। महादेव तने हाथ पांव धो के हमारी पूरी छान दो जी, नहीं तो हमें भी सत्तू पीना पड़ेगा या गैया की भूसी फांकनी पड़ेगी। प्रणाम।
वाओ, तुम्हारे विजय सर को पहले तक कभी इतना खुश नहीं देखा। पूरब, क्या हुआ? क्या हुआ? खन्ना विजय सर की पार्टी में था। कौन खन्ना? वो डक आदमी। I saw him at the party. How can you be so sure? TV पर जब देखा तो मुझे लगा मैंने खन्ना को पहले कहीं देखा है। फिर याद आया मैंने उसे विजय सर की पार्टी में देखा। पूरब, तुम पागल तो नहीं हो गए हो? तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो कि वो खन्ना उस पार्टी में था? ये पार्टी के कुछ फोटोग्राफ्स हैं। विजय सर या उनकी फैमिली के किसी आदमी ने उसे वहां इन्वाइट किया होगा, या फिर वो किसी गेस्ट के साथ वहां आया। किसके साथ? शायद मोहन पांडे। पूरब, मेरी बात सुनो, तुम्हें सब में कर्मचंद बनने की कोई जरूरत नहीं है। प्लीज, खन्ना को ढूंढ रही है, उन्हें अपना काम करने दो। यू जस्ट डू योर जॉब, बेटर स्टिल लीव दिस जॉब। पूरब, तुमने सुना मैंने क्या कहा? हुडा के जाने से सबसे ज्यादा फायदा मोहन पांडे के सिवा किसको हो सकता है? हम आतंकवादियों को देश के बाहर ढूंढ रहे हैं, ये नहीं जानते कि वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। हमने जिसे अपने घर की हिफाजत और देश का भविष्य सौंपा, उसी ने आज सच पूछिए। आप सबके सामने यहाँ खड़े होते हुए हम शर्मा, हमने कुछ नहीं किया, हम कसूरवार नहीं हैं, फिर भी सर झुक रहा क्योंकि हम भी नेता हैं। और आज ये नेता शब्द हुडा जैसे देशद्रोहियों से जुड़ गया है। आप सोच रहे होंगे कि हम आपके सामने वोट मांग रहे हैं। हमें आपका वोट नहीं चाहिए, मोहन पांडे को वोट नहीं चाहिए, मोहन पांडे को राजनीति नहीं चाहिए, नेतागिरी नहीं चाहिए, ये कुर्सी भी नहीं चाहिए। तो फिर
मोहन पांडे को क्या चाहिए? मोहन पांडे को चाहिए कि ये देश बूढ़ा जैसे भेड़ियों के हाथ से बच जाए। आज इस देश को मोहन पांडे की जरूरत नहीं है, मोहन पांडे को इस देश की जरूरत है। ऐसे देश की जहां दिल में सुकून और होंठों पे सच्चाई। मोहन पांडे को वोट सुबह शाम रात हर 10 मिनट में स्पीच टेलीकास्ट का सुननी चाहिए। राजनीति नहीं चाहिए, नेतागिरी नहीं चाहिए, ये कुर्सी भी नहीं चाहिए, तो फिर इस मोहन पांडे। ऐसे लग रहा है जैसे इंडिया 24/7 मोहन पांडे का प्राइवेट पीआर चैनल बन गया। कूड़ा के स्कैंडल के बाद पांडे जी की पॉपुलैरिटी बढ़ गई है डैड, लोग उसे देखना चाहते हैं। People want to see him, and I think we are just showing people what they want to see. I don't see anything wrong with that, Dad. वैसे पांडे जी से हमें ratings भी मिल रहे हैं। And Dad, जैसा आप समझ रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। I think we're all okay, Dad. See you then, Dad. Dad, एक और बात करनी थी आपसे, क्या ना? आपके बर्थडे पार्टी में आपको एक लड़की से मिलवाया था मैंने, यास, यशोदा, रिमेम्बर? मैं उसे शादी करना चाहता हूँ। आई लव हर एंड शी इज अ मुस्लिम। शादी सिर्फ लड़का लड़की की नहीं, दोनों परिवारों की भी हो जाती है। उसे सिर्फ जय के साथ नहीं, हमारे साथ भी रहना है। मैं अपने घर में किसी दूसरे क्या जानती हो तुम उसके धर्म के बारे में? नहीं, यहाँ तक मुझे पता है तुमने कभी कुरान नहीं पढ़ा। मैं क्यों पढ़ूं? मेरे लिए बस इतना जानना काफी है कि हमारे धर्म अलग है। क्या मैं जान सकता हूँ कि उसमें और हमें क्या अलग है? क्या मतलब क्या अलग है? हम मंदिर जाते हैं तो वो मस्जिद, हम दिवाली मनाते हैं और वो ईद, ईद मनाते हैं। जैसे तुम्हें साड़ी पहनना पसंद है और प्रिया को नहीं, तुम्हें दाल में तड़का कम पसंद है और नवीन को तो दाल ही पसंद नहीं है। हम सब भी तो एक ही धर्म के हैं, फिर इतने अलग अलग क्यों? मुझे अपनी बातों में मत फंसाइए। नहीं, बात बातों की नहीं है लता, बात समझ की है। हम अलग अलग लोग हैं, हमारे जीने का तरीका अपना, हर तरीका एक धर्म होता। नवीन अपने धर्म से, मैं अपने धर्म से, तुम अपने और यास्मीन अपने धर्म से जिंदगी जी रहे हैं। कोई हिंदू और मुसलमान नहीं होता लता, सब लोग होते हैं। तुम बस इस बात को समझ लो कि तुम एक मुसलमान से नफरत नहीं कर रहे हो, तुम जय के प्यार से नफरत कर रहे हो। जय इंडिया, जय जय इंडिया, जय इंडिया, जय जय इंडिया। मिसेस काला डब्बे बेईमान, घर चार घोटा चले सीने को तार। नमस्ते मैम, मैं विजय हर्षवर्धन जी के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बना रहा हूँ, साथ ही में एक बुक भी रिलीज हो रही है। आप ही की कंपनी ने उनका बर्थडे इवेंट मैनेज किया था। अगर उस पार्टी में जो गेस्ट इनवाइट किए गए थे उनकी अगर मुझे डिटेल्स मिले तो। कोई जेल से इलेक्शन लड़ता है, कोई वोट खरीद के बढ़ता है, लीडर उसी टाइम सच बोलता है जब उस लीडर को झूठा कहता है। मेरा भारत महान, मेरा भारत महान, जय जय।
पार्टी में चार खन्ना आए थे, लेकिन मैं वो खन्ना नहीं था जिसकी सबको तलाश है। इसका मतलब है पार्टी में खन्ना किसी केस के साथ आया था, या फिर हो सकता है उसका नाम खन्ना हो ही नहीं। ऐसे ऑपरेशन के लिए कोई अपना असली नाम यूज क्यों करेगा? पूरब तुम पागल हो गए हो? तुम जानते भी हो मोहन पांडे उसके जैसे लोग कितने डेंजरस होते हैं। यूं खत्म कर देंगे तुम्हें किसी को पता भी नहीं चलेगा। जैसे जैसे वो खन्ना को गायब किया था तुम्हें भी गायब कर देंगे। प्लीज पूरब, अपने खातिर तो नहीं मेरे खातिर ये सब बंद करो। और ऊपर से इंडिया 24/7 जिस तरह उस दरिंदे पांडे की तारीफ कर रहा है, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा।